31 जनवरी को जो चक्का जाम का कार्यक्रम रखा था, आज मेरी प्रशासन से एक मांग है कि हमने 30 दिसंबर को प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था, डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था कि जो बॉल में नसबंदी केंद्र है उसको सरकार यहाँ से शिफ्ट करे। उसके बाद मैंने 15 जनवरी को जो दोबारा इसका ज्ञापन जो है वो डीसी साहब को एसडी ऊना के माध्यम से हमने सौंपा। 28 तारीख को हमने दोबारा फिर सरकार को एक रिमाइंडर दिया। जब सरकार का कोई जवाब नहीं आया तो उसके बाद हमने जो है वो 31 तारीख को मजबूरन, पहले हमने अपना एक कार्यक्रम किया और उसके बाद जो है मजबूरन जब प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहाँ पर हमारी आवाज़ सुनने के लिए नहीं आया तो हमने वहाँ पर चक्का जाम लगाया। आज विषय ये है कि जब हम सरकार को बार बार, जनता सरकार से दुहार कर रही है कि किसी मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मगर सरकार जनता की बात जो है वो सुनना नहीं चाहती, जिसके चलते जो है हमने चक्का जाम लगाया। और हमारा चक्का जाम का जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद जहाँ तक मेरी मुझे पता है, हमने जो है वो 20 से 25 मिनट के तकरीबन जो है वो चक्का जाम लगाया, जिसमें जो है हमने स्कूली बच्चों की बसें और एम्बुलेंस और कोई भी अगर बीमार व्यक्ति था तो हमने जनता को जो है परेशान नहीं किया, क्योंकि वो हमारी मंशा नहीं थी। हमारी मंशा सिर्फ ये थी कि हमने सरकार का अधिकारी को यहाँ पे आए और बात करे और ताकि जो है हमारी बात को सुना जाए कि यहाँ पे समस्या क्या है। मौके पर जब हमें जो प्रकाश जो जी हमारे जो SHO हैं उनके माध्यम से पता लगा कि आधे घंटे में जो है वो SDM साहब आने वाले हैं, तो हमने चक्का जाम वहाँ से खुलवा दिया उनके बोलने के ऊपर। SDM साहब वहाँ पर आए और मैंने उनसे ये बात की कि अगर आप समय से पहले यहाँ पर आते तो शायद ये चक्का जाम भी नहीं लगता। और उन्होंने उस टाइम आदेश दिए कि जो भी इस घटना के वह जो केस है वो केस ना बनाया जाए। मगर बाद में जो है वो किसके दबाव के अंदर आके जो है वो केस बनाएगी, ये थोड़ा सा जो है वो आज हमारी प्रशासन से ये मांग है कि थोड़ा पता लगे कि आज भी जो है वो इस बात को क्लियर नहीं किया जा रहा है कि कितने लोगों के ऊपर केस बने हैं। और अगर वो बने हैं तो जब वहाँ पे SDM साहब ने खुद इस बात को माना कि केस नहीं बनने चाहिए और उन्होंने आदेश भी किया, मगर उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की अपनी कार्रवाई है और बाकी अधिकारियों से बात ही, उसके बाद भी केस मगर बार बार जो है छांट छांट के लोगों के ऊपर जो है वो केस बनाने की कोशिश की जा रही, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंशा जो है वो जो स्थानीय विधायक हैं वो जबरन जो है लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि आवाज़ दबने वाली नहीं है। हम लोग केस से केसों से और हमारे पर अगर केस चलाने की कोशिश की जाएगी तो हम उन चीज़ों से दबने वाले नहीं हैं। इस कार्रवाई को हम प्रक्रिया को आगे भी हम जो है वो लगातार इसको रखेंगे। अगर जो हमने मांग आज हमने की है, हमने आंदोलन आज शुरू किया, ये किसान आंदोलन है, किसानों की आवाज़ को हमने सरकार जो गूंगी बैरी बनकर बैठी हुई है, जो किसान की बात को नहीं सुनना चाहती है, हम उनको आज प्रेस के माध्यम से दोबारा फिर अवगत करा रहे हैं कि इसके ऊपर अगर जल्दी निर्णय को सरकार अगर नहीं देती है तो ये प्रदर्शन दोबारा फिर होगा। और जहाँ तक केस की बात, अगर केस के बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो अगली बार जो है SDM कार्यालय का और पुलिस का जो है वो घेराव किया जाएगा।